गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ पहला अभ्यास बी का वन का तीसरा क्वेश्चन तीसरे का तीसरा है। कोष्ट में यानी बड़ा कोष्टक, इसके बाद छोटा कोष्टक, ऋण 4/7, छोटा कोष्टक बंद, धन 1/4, बड़ा कोष्टक बंद। धन कोष्ट में 7/16, ऋण 16 बराबर हो गया कोष्ट में ऋण 4/7, कोष्ट बंद, धन बड़ा कोष्टक 1/4, धन छोटा कोष्टक, ऋण 7/16, छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे बड़ा कोष्टक, कोष्ट में ऋण 4/7, धन 1/4, बड़ा कोष्टक बंद, धन कोष्ट में ऋण 7/16, कोष्टक बंद। तो यह पहला कोष्टक है, 7 और 4 का एलसीएम निकालेंगे पहले। तो कोष्ट में यस 7 और 4 28 हो गया लघुत्तम। 7 में 28 हमने भाग दिया, 7 चौक 28, 4 हो गया। तो ऋण 4 × 4, धन अब है 4 × 7 = 28, तो 1 × 7, कोष्टक बंद हो गया। धन कोष्ट में 7/16, कोष्टक बंद बराबर। कोष्टक बड़ा समाप्त कर रहे हैं, छोटा समाप्त करने जा रहे हैं। ये 28 हो गया, ऋण 4 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ऋण 16, धन 1/7 हो गया। अब है घटाएंगे, ऋण 16 में से 7 निकाल देंगे तो ऋण 9/28, और यह जो है धन कोष्ट में 7/16, कोष्टक बंद। अब इसको लाएंगे यहाँ पर, धन कोष्ट में ऋण 7/16, कोष्टक बंद बराबर ऋण 9/28, धन यह देख रहे हैं हर जो है ऋणात्मक है तो ऋण 1 से गुणा करके हम धनात्मक बदल देंगे, बना देंगे। कोष्ट में 7 × ऋण 1/16 × ऋण 1, कोष्टक बंद। यह बराबर कोष्ट में ऋण 9/28, धन कोष्ट में 7 में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 7 हो जाएगा, और ऋण और इसमें ऋण से गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा 16 × 16, कोष्टक बंद हो गया। अब 28 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 28 और 16 का, तो 2 से पहले काटेंगे तो 14 × 28, 2 × 8 = 16, फिर 2 से कट रहा है, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, फिर 2 से 7 नहीं कटेगा, 2 × 2 = 4, फिर 2 से 7 नहीं कटेगा, 2 से 2 = 2, फिर 7 कट रहा है, 7 × 7, तो 16 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 16 × 7 = 112, 28 में
अब हम जो है 112 में 28 से जो है भाग दे देंगे, 4 से जाएगा, 4 8 32, 4 2 8 3 11, तो ऋण कोष्ट में ऋण 9 गुणे हो गया 4, कोष्टक बंद, धन कोष्ट में ऋण 7। अब जो है 112 में हम जो है 16 से भाग देंगे, 7 बार जा रहा है, 112 तय हो गया 7। अब ऋण 9 4 36, धन 7 7 49, ऋण 112। अब कोष्टक को तोड़ेंगे, ऋण हो गया 36 और ऋण धन और ऋण है तो ऋण हो गया 49 बटा 112। अब इसको जोड़ देंगे कि दोनों ऋण है, 9 और 6 को जोड़ेंगे, 9 6 15, 4 3 7 1 8 बटा 112, यानी ऋण 185 बटा 112। अब देखिए राइट हैंड साइड लगे, कोष्ट में ऋण 4 बटा 7, कोष्टक बंद, धन बड़ा कोष्टक 1 बटा 4, धन कोष्ट में 7 बटा 16, कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद बराबर कोष्ट में ऋण 4 बटा 7, धन 1 बटा 4, 4 और 16 का हम लघुतम निकाल देंगे तो हो जाएगा 16, यह हो गया 1 में हम जो है 4 से गुणा करेंगे, 4 हो गया, धन 16 एकम 16 तो 7 एकम 7, ऋण 7 हो जाएगा बराबर कोष्ट में ऋण 4 बटा 7, कोष्टक बंद, धन 4, धन कोष्ट में ऋण 7, कुल के बटा इसका हो गया 16, कोष्ट में ऋण 4 बटा 7, धन अब इसको घटाएंगे तो यहाँ धन है और ऋण है तो 4 ऋण 7 हो गया बटा 16 हो गया, कोष्ट में ऋण 4 बटा 7, धन ये 4 है और यह ऋण 7 है तो ऋण हो गया 3 बटा 16 बराबर इसका एलसीएम जो है 112 होगा।
सत्तर 112। अब 7 से हम जो है 112 में भाग देंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा। धन अब है 16 सत्तर 112 होता है तो 7 में 3 से हम गुणा कर देंगे, 7 3 21 हो जाएगा। ऋण 64, धन और ऋण मिलकर ऋण हो जाएगा। बटा 112 बराबर 4 2 6 6 1 7 बटा 112 ऋण, तो हो गया यह लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कह रहा कि यदि ए बी ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं और ए प्लस बी बराबर ऋण 15/11 हो तो ए नो बी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए प्लस बी बराबर ऋण 15/11 है। यदि इन अक्षरों को लड़ दिया जाए यानी बी प्लस ए बराबर हो जाएगा ऋण 15/11, क्योंकि संख्याएं का मान उलट देने पर उसका मान जिस का तेव रहता है यानी अर्थात वही रहता है। बंद यह क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। खाली जगह है, छोटा कोष्ठक फिर गायब कर दिया है, फिर प्लस कोष्ठक में ऋण 12/7 बराबर दे दिया ऋण कोष्ठक में 12/7 कोष्ठक बंद धन कोष्ठक में 5/11। तो हम देख रहे हैं दोनों यानी दायां और बायां दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। तो इसमें ऋण 12/7 है, इसमें जो है ऋण 12/7 है, लेकिन 5/11 नहीं है तो इसमें भर देंगे कोष्ट में ऋण 5/11। दूसरे में हम देख रहे हैं 10 इसमें है 7/12 है, इसमें 7/12 है यानी 5/6 नहीं है, इसमें लिख देंगे 5/6। धन्यवाद।